और किसका, हीलियम का। ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन ये आप लोगों के पास अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप नंबर वन में क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये ग्रुप नंबर वन में इसलिए रखा गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या है, ग्रुप नंबर वन से क्या करता है, मैच करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर वन में क्या किया गया है, रखा गया है। और हीलियम को ग्रुप नंबर एट में क्यों रखा गया है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, ये आप लोग के पास नोबल गैसेस की तरफ प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ये केमिकल रिएक्शन को शो, मतलब शो नहीं करता, इसकी क्या है आप लोग के पास, वैलेंसी जीरो है, बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से ग्रुप नंबर एट में है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन की वजह से ग्रुप नंबर एट में है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, फिक्स्ड नहीं है। ये ग्रुप नंबर वन में भी हो सकता है, ग्रुप नंबर फोर में भी हो सकता है, और ग्रुप नंबर सेवन में भी हो सकता है। ग्रुप नंबर वन में तो इसलिए है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या है, 1s1 है। लेकिन ग्रुप नंबर फोर में कैसे, कार्बन के वैलेंस शेल में फोर इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार चाहिए। मीन आधा भरा है और आधा क्या है, खाली है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। मीन आधा भरा है और आधा खाली है, इसीलिए हाइड्रोजन ग्रुप नंबर फोर का मेंबर भी हो सकता है। और आप लोगों के पास क्या होता है, ग्रुप नंबर सेवन में फ्लोरीन है, उसके वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप में फिक्स नहीं है, ग्रुप नंबर वन में तो इसलिए रखा गया है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रिजल्ट्स ऑफ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर वन में इसलिए रखा, ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन। लेकिन आप लोग हीलियम को ग्रुप नंबर एट में ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नोबल मेटल, नोबल गैसेस की तरह क्या करता है, शो करता है। अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास आता है ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये आप लोगों के पेपर, मतलब आप लोग अपना स्मार्ट सिलेबस देखे तो उसमें यही गिवन है, हाइड्रोजन मतलब लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, इसकी केमिस्ट्री क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनाइज, इसकी केमिकल एनर्जीज, मतलब आप केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, ठीक है। मतलब आप लोग नॉर्मल ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड ये चीज़ें पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन लीस्ट स्टेबल होगा, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे इसी में ही पढ़ेंगे। लेकिन हमने क्या बोला कि एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हाईएस्ट, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या हो, एस ब्लॉक एस सबशेल में प्रेजेंट हो, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या हो, एस सबशेल में प्रेजेंट हो, उसे बोला जाता है क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट। और हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लास्ट इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, और उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा था, अगर मैंने आपको बोला अगर पोटाशियम, अगर हम ये क्या करते हैं, हम ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन करते हैं, लेकिन आपको अब प्रिंसिपल का तो पता होना चाहिए ना, अगर अब प्रिंसिपल ओबे ना हो जाए तो पोटाशियम आप लोगों के पास डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस ब्लॉक एलिमेंट, आप लोगों को लिथियम गिवन होगा, आप लोगों को क्या गिवन होगा, एल्यूमिनियम गिवन होगा, और आप लोगों को ऑक्सीजन गिवन होगा। तो आपको तो एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए ना, इसका 3 है, इसका 13 है, और इसका क्या है, 8 है। तो इसका हो जाएगा 1s2, और आप लोग के पास क्या, 2s1, इसका क्या हो जाएगा आप लोग के पास 1s2, 2s2, 2p, व्हाट, 2p 6, 3s2 3p 1।